गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर. आई एम योर SST टीचर. टुडे इज 28 अप्रैल 2021. आई होप यू ऑल आर फाइन. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन पासिंग योर एग्जाम्स. यू वर्क वेरी हार्ड एंड यू डिड इट. We also welcome the new students with best of luck on starting of your new school session. Today I teach you about our country. Our country name is Pakistan. We are Pakistani. We belong to Pakistan. That way why we call Pakistani. Hame Pakistani kaha jata hai. Pakistan is our country. It is a beautiful country. There are mountains, valleys, hills, plains, rivers and lakes in Pakistan. We have thick forest and wide open deserts. There are many cities and town. It is our identity. ये हमारी पहचान है. It is our pride. ये हमारा गुरूर है. It is our homeland. Motherland. ये हमारी ज़मीन है. हमें चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें, हम इसको साफ सुथरा रखें. पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त 1947. फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. डू यू नो हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायदे आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. ही वॉज अ वेरी सिंसियर लीडर ऑफ द मुस्लिम्स. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट मैन. आपको पता है इन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचा. उन्होंने सोचा कि हम मुसलमानों को एक आज़ाद कंट्री की ज़रूरत है ताकि हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि हम ग़ुलामी से निकल जाएं. अगर आज हमारा मुल्क का आज़ाद ना होता तो आज हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते, हम उनके नौकर होते. तो इन्होंने हमारे लिए अच्छा सोचा. इन्होंने हमारे लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया. इन्होंने हमारे, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट our hero of Pakistan. He is a, such a best man in the world. National poet of Pakistan. The national poet of Pakistan is Allama Muhammad Iqbal. He is a national poet of Pakistan. He wrote poetry in Urdu and Persian. ये हमारे कौमी शायर हैं. इन्होंने हमारे लिए बहुत सी बुक्स लिखी, बहुत सी शेर व शायरी लिखी. इन्होंने पाकिस्तान बनने का आइडिया भी पेश किया. ये इन्होंने कायद आज़म के साथ बहुत हेल्प की और हमारे लिए पाकिस्तान बनाने में मदद की. नेशनल फ्लैग. कितना प्यारा फ्लैग है, आप लोगों को पता है ना. ये हर जगह पर आप लोगों ने देखा होगा. हम 14 अगस्त को जब जश्न आज़ादी मनाते हैं तो हम कितने इस फ्लैग्स को शो करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं. हर बच्चे, हर बड़े के हाथ में फ्लैग होता है. ये जो फ्लैग है ये हमें बिलोंग करता है. इसमें टू कलर्स है. देयर आर टू कलर्स इन दिस फ्लैग, वाइट एंड ग्रीन. आवर नेशनल फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड द आइडेंटिटी ऑफ आवर नेशन. इट इज़ ग्रीन एंड वाइट. मैंने आपको बताया ना कि ये दो कलर्स में है, ग्रीन और वाइट. कोई मुझे बताएगा कि इसमें इतना ग्रीन कलर ज़्यादा क्यों है और वाइट थोड़ा क्यों है, और इसमें ये चांद तारा क्या कर रहा है? आई विल टेल यू. द ग्रीन देयर इज़ अ क्रीसेंट एंड अ स्टार ऑन द ग्रीन पार्ट. क्रीसेंट मीन चांद. चांद जो बिल्कुल नया चांद निकलता है ना, जो छोटा सा होता है, उसको क्रीसेंट बोलते हैं. आप देयर द ग्रीन रिप्रेजेंट, ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स मेजॉरिटी. एंड द वाइट कलर रिप्रेजेंट द रिलीजियस मिनोरिटी इन पाकिस्तान. यानी जो ग्रीन कलर है यहाँ पे, यानी पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है. और यहाँ जो वाइट शोकर है बहुत थोड़ा है ना, तो इट्स मीन कि हमारे पास, हमारे मुल्क में और रिलीजन के भी लोग रहते हैं, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, हिंदूज हो गए, सिख्स हो गए. ऐसे बहुत से कंट्रीज़ के लोग हैं, वो भी हमारे जैसे हमारे कंट्री के लोग. हमारे मुस्लिम्स बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं. इसी तरह पाकिस्तान में भी आउट ऑफ कंट्री के लोग रहते हैं, यानी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं. प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान.
It is a map of Pakistan. You can see there are four provinces. The old name of KPK is NWFP. There are four provinces in Pakistan. Their name are Punjab, KPK, Balochistan, Sindh. Our provinces, we live in KPK. Hamare province ka kya name hai? KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा, इसलिए हमने इसको छोटा सा नाम दिया KPK. आपको पता है कि सबसे बिगेस्ट प्रोविंस कौन सा है पाकिस्तान का? बिगेस्ट प्रोविंस जो है वो है पंजाब. पंजाब इज़ द बिगेस्ट प्रोविंस अकॉर्डिंग पॉपुलेशन. यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी, यहाँ पर बहुत से ज़्यादा लोग हैं. दैट्स वाई ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बिगेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का. सिटीज द मेन थिंग ऑफ पाकिस्तान. आप तो सिर्फ प्रोविंस में नहीं रहते हो ना, आप लोग अब प्रोविंस में, अब आपका मुझे बताएगा कि हमारे सिटी का नेम क्या है? हमारे सिटी का नेम है पेशावर. इसी तरह जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वो भी एक प्रोविंस है. दैट्स वाई देयर आर 271 बिग एंड स्मॉल सिटीज इन पाकिस्तान, बट द मोस्ट फेमस एंड मेजर सिटीज आर लिस्टेड बिलो. यानी जो मेजर सिटीज़ हैं जो हम अक्सर सुनने में मम्मा बाबा के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा, जैसे इस्लामाबाद, हम हर वक्त बहुत सारे लोग इस्लामाबाद आते जाते हैं. ये आपको पता है इस्लामाबाद, वेयर इज़ इस्लामाबाद लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन पंजाब एंड इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. कराची, कराची इज़ ऑल्सो द कैपिटल सिटी, मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान. आप को पता है इसको एक और नाम भी, इसको लाइट सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है. यहाँ पे हर वक्त रोशनियाँ होती हैं. लाहौर, पेशावर, कोयटा. कोयटा पता है कहाँ पर है? कोयटा जो है वो बलूचिस्तान में है. कराची जो है वो सिंध में है. इस्लामाबाद, लाहौर जो है वो पंजाब में है. तो हमें प्रोविंसेस और सिटीज़ में फ़र्क होना चाहिए. यानी हमारे कंट्री के फोर प्रोविंसेस हैं और उसमें बहुत सारे, हर प्रोविंसेस में बहुत सारे सिटीज़ हैं. कुछ सिटी बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत स्मॉल हैं. ये देखें हमारे लैंडमार्क्स, हर प्रोविंस का लैंडमार्क है. जैसे लाहौर का लैंडमार्क है, इट इज़ लोकेटेड इन लाहौर एंड इट नेम इज़ मीनार ए पाकिस्तान. टॉम ऑफ कायदे आज़म, कायदे आज़म का टॉम है यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार, जहाँ पर उनको दफनाया गया है. ये है खैबर पास. आपको पता है ये खैबर पास कहाँ पर है? ये खैबर पख्तूनख्वा में है. फैसल मस्जिद, ये है इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद आप में से बहुत से लोग गए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि फैसल मस्जिद बहुत खूबसूरत है. देखें इनको लाइट, शाम के टाइम लाइट्स में कितना खूबसूरत लग रहा है. ये कहाँ पर लोकेटेड है? इस्लामाबाद में. कहाँ पर? इस्लामाबाद में. अब आते हैं हमारे रिवर्स के बारे में. आप लोगों ने हर जगह पे, आप लोग जब मोटरवे पर जाते हो तो आप लोगों के अक्सर रास्ते में रिवर्स आपको नज़र आते होंगे. जैसे काबुल रिवर, वहाँ पे आप लोगों को नज़र आते होंगे. तो हमारे इसी तरह जो पानी है वो ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. द रिवर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर. यानी ये हमारे जो किसानों को, यानी अब बड़े बड़े फील्ड्स हैं उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है ना. अल्लाह ताला तो बारिश करता है लेकिन कभी कभार. तो फिर हम उनको कैसे, जैसे आपको पौधों को पानी की ज़रूरत होती है ना, ऐसे बड़े बड़े फील्ड्स के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है. देयर आर फाइव मेन रिवर्स ऑफ पाकिस्तान आर इंडस रिवर, जहलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर एंड सतलज रिवर. ये जो है पाकिस्तान के मेन रिवर्स हैं. ये सारे रिवर्स इकट्ठे होकर अरेबियन सी में जाकर मिलते हैं. आपको पता है रिवर्स कहाँ से निकलते हैं? पानी कहाँ से आता है? पानी जो है पहाड़ों पर ऊंचाई से बहता हुआ नीचे की तरफ आता है. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन. आपको पता है कौन सा माउंटेन है? हर माउंटेन का नेम होता है ना. ये हमारा इट इज़ अवर पाकिस्तान्स हाईएस्ट माउंटेन, K2. इट लाइज इन द कराकोरम रेंज इन द पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान. ये नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते, मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में. सैंड ड्यून्स, आपको पता है ये रेत के पहाड़ कहाँ पर मौजूद हैं? रेत के पहाड़ जो हैं वो बलूचिस्तान में मकरान कोस्ट पर मौजूद हैं.
इसके अलावा है, ये है हमारा बीच। आप लोगों ने अक्सर अगर किसी के मम्मा पापा कराची गए होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कराची गए होंगे, यू कैन सी द बीच, यानी जो समंदर का साहिली इलाका होता है उसको बीच बोलते हैं। ये है क्लिफ्टन बीच जो कि कराची में है। आप लोगों ने कहीं यहाँ पे पेशावर में समंदर देखा है? नहीं, यहाँ पे तो हमने रिवर्स देखे हैं वो। और कराची में क्या है? समंदर यानी सी है, बहुत ज़्यादा पानी वाला एरिया। गवादर, गवादर इज एन इम्पॉर्टेंट कोस्ट ऑफ पाकिस्तान। वाओ, व्हाट अ लवली फ्लावर। आपको पता है कौन सा फ्लावर है? कौन मुझे बताएगा? इट्स आवर नेशनल फ्लावर, इट्स जैस्मीन। वाओ, आई लव इट। डिड यू लाइक इट दिस फ्लावर? इन पाकिस्तान जैस्मीन इज अ वेरी कॉमन प्लांट एंड वन कैन फाइंड One can find it in any garden, so it is a national flower of Pakistan. Okay. Wow, what a beautiful bird! It is a bird. Its name is Chukor. It is the national bird of Pakistan. Chukor is the national bird of Pakistan. It is about 35 centimeter long with brown back, breast and buff belly. Wow, it is a national animal of Pakistan. Did you know what its name? Its name is Marhor. It's our national animal. It is the largest of goat family and it is commonly found in northern areas of Pakistan. ये हमारे यहाँ पर नहीं होते, ये जो बड़े बड़े पहाड़ माउंटेनियस एरिया होते हैं ना, नॉर्दर्न एरिया, जैसे चित्राल हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, हुंजा वैली हो गया, ये पहाड़ी इलाके हैं ना, तो आपको यहाँ पर मारखोर मिलेगा। इट इज़ द मैन प्लेइंग हॉकी। डू यू नो आवर नेशनल गेम इज़ हॉकी। हॉकी इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम इन पाकिस्तान। हॉकी इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी डिसिप्लिन गेम ऑफ पाकिस्तान। फील्ड हॉकी इज़ कंसिडर्ड एज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा नेशनल गेम है। नेशनल क्रॉप्स, नेशनल क्रॉप्स जो हैं वो हमारे हैं राइस, कॉटन एंड वीट। ये हमारे नेशनल क्रॉप्स हैं। ये जो हमारे यानी हमें खाने पीने की भी ज़रूरत होती है, कपड़ों की। आपको पता है कपास से क्या बनता है? कपास से रुई बनती है, कपड़े बनते हैं। और राइस और वीट जो है, वीट जो है गंदम को कहते हैं, जिससे रोटी बनती है। वी मेक अ वीट, हम रोटी बनाते हैं इससे। राइस, यू नो कि हर घर में चावल, चावल किस किस को बनता है, पसंद है? आपको पता है चावल से कितने मज़े मज़े के बिरयानी, पुलाव वगैरह बनते हैं। तो ये जो आपको पता है, ये हमारे मेन क्रॉप्स है। और हमारे मेन क्रॉप्स में एक और बहुत मेन क्रॉप है शुगर केन। आपको पता है शुगर केन क्या होता है? व्हाट इज़ शुगर केन? शुगर केन आपको पता है गन्ने को बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिनको गन्ने का जूस बहुत पसंद है, तो शुगर से, शुगर केन से शुगर बनती है। तो ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है पाकिस्तान का। लुक एट दीज टू boy and girl, it is, what did they wear? They wear a national dress of Pakistan. The man wear white shalwar kameez and the lady wear dupatta and shalwar kameez. This is our national dresses. आपको पता है हमारी national language क्या है? Our national language उर्दू। आप कहीं जाते हो तो देखे ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो पश्तो speaking भी करते हैं, हिंको भी बोलते हैं। They can also speak पश्तो, हिंको, सिंधी, सराइकी, बलोची। तो हम सबको पाकिस्तान का जो मेन लैंग्वेज है, जो कॉमन लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, वो है उर्दू। अगर किसी को किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आती तो हम उसके साथ उर्दू में बात करते हैं, क्योंकि हमारा नेशनल लैंग्वेज है। इसी तरह बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क का भी रिस्पेक्ट और Elder, we respect our founder that he gave this a beautiful country. I pray that Allah give long live life and stay all us. Thank you so much. Allah Hafiz.